ओके, अब यहाँ जाते हैं। तो आप लोगों ने इनका चेंज कर दिया, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने लिखा इट वॉज अ गुड ऑफर सो दे एक्सेप्टेड इट, ये अच्छा ऑफर था इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इट बीइंग अ गुड ऑफर, इट बीइंग पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर लीजिए, इट बीइंग अ गुड ऑफर, ठीक है, दे एक्सेप्टेड इट, इट बीइंग अ गुड ऑफर दे एक्सेप्टेड इट, ये हो गया, ठीक। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि उसके लिए ना बिसाइड्स प्रिपोजिशन यूज कर लीजिए कीजिए। देखो जैसे ये येट और बट होते हैं, इनके लिए हम डिस्पाइट यूज कर लेते हैं, उसी तरीके से अगर मान लो हमने नॉट ओनली, ठीक है, या बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो कोरिलेटिव पेयर होता है, अगर हमने इसका यूज कर रखा हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए आप क्या कीजिए, बिसाइड्स प्रिपोजिशन यूज कर लीजिए। बिसाइड्स प्रिपोजिशन जो होती है वो उसका सब्सिट्यूट हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने सो या फॉर प्रिपोजिशन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रखा हो तो उसके लिए ना आप बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हो। चलिए अब जैसे अपने क्वेश्चन पे हैं, तो हमने लिखा है नॉट ओनली डिड सी स्टील द मनी बट ही ऑल्सो टोल्ड अ लाई, ये लिखा हुआ, ठीक। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिसाइड्स स्टीलिंग द मनी ही टोल्ड अ लाई, ही टोल्ड अ लाई बिसाइड्स, बिसाइड्स लिखना, बिसाइड्स स्टीलिंग द मनी। ऑल्सो इज नॉट नेसेसरी व्हेन यू यूज्ड, व्हेन यू हैव यूज्ड बिसाइड्स, जब आपने एक बार बिसाइड्स यूज कर लिया ना तो वहां पे उसका जरूरी नहीं है। दे एक्सेप्टेड इट बींग अ गुड ऑफर, बिल्कुल बच्चे, ही स्टील द मनी एज वेल एज टोल्ड अ लाई, एज वेल एज टोल्ड नहीं लिख पाओगे, फिर आपको ना एज वेल एज टेलिंग लिखना पड़ेगा। एज वेल एज प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, अगर आप उसको लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा टेलिंग, He told a lie as well as stealing the money. ठीक है, तो ये तरीका भी हो सकता है, बट मैं आपसे कहूंगा कि besides preposition use क्या करो, that is quite simple a construction. वो एक quite simple construction होता है जिसमें गलती होने के chances नहीं होते हैं। Not only did he steal the money, but he also told a lie. Besides stealing the money, he told a lie. He told a lie besides stealing the money, मतलब ये हो गया। Is mine correct? क्या है बेटा तुम्हारा आंसर? They accepted this offer for being its, नहीं 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 आप for अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको clause लिखनी पड़ेगी। Clause जो लिखोगे तो वो अपने आप में फिर से coordinate conjunction, coordinate clause बन जाएगी और sentence compound हो जाएगा। Participle phrase use कीजिए बिना किसी प्रेपोजिशन के। पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होते हैं बच्चे, उनको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ऐसे लिखे इट बीइंग अ गुड ऑफर, डोंट मेक इट अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं उनमें प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पार्टिसिपल्स नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टिसिपल्स मॉडिफायर्स होते हैं, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Only his relatives know where he was born. Change into simple. अब ये सेंटेंस ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं, मान लो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और हमें किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, उस सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम वर्ड्स या फ्रेजेस से रिप्लेस कर देंगे, वर्ड्स से या फ्रेजेस से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि जो हमारी सिंगल क्लॉज सेंटेंस बन जाए और हमारे पास बस एक ही क्लॉज बचे। अब जैसे हमने ये लिखा ओनली हिज रिलेटिव्स नो वेयर ही वॉज बॉर्न, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक, हमें इसको सिंपल बनाना है। देखिए कैसे बनाया जा सकता है,
He told a lie in addition to telling a lie. He told a lie in addition to stealing the money. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. He told a lie in addition to stealing a money. And that would be quite correct. ठीक है, जो बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट देखिए बच्चा. ओनली हिज रिलेटिव नो वेयर ही वॉज बॉर्न. अब हम कह रहे हैं केवल उसके रिलेटिव को ही पता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब बाकी लोगों को यह नहीं पता कि उसका जन्म वो कहाँ हुआ था, वो कहाँ पैदा हुआ था. चलिए बताइए आंसर. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही. इसका यही बनेगा, ओनली हिज रिलेटिव्स नो हिज बर्थ प्लेस. ये आप लिख सकते हो, ओनली हिज रिलेटिव्स नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ. मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, द प्लेस ऑफ हिज बर्थ को बर्थ प्लेस ही कहा जा सकता है. ठीक है, तो हम लिख देंगे ओनली हिज रिलेटिव्स नो हिज बर्थ प्लेस. केवल उसके रिलेटिव्स को पता है उसका जन्म स्थान. हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो ओनली हिज रिलेटिव्स नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ. आप ऐसे लिख सकते हो ओनली हिज रिलेटिव्स नो हिज बर्थ प्लेस. एंड ईदर वे इट इज करेक्ट, दोनों तरीके से करेक्ट है. अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, समझ में आपको आया हो तो. ये जो वेयर ही वॉज बॉर्न लिखा है ना, ये ध्यान से देखो, ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, ये नाउन है, ये इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो हमने इस सबॉर्डिनेट क्लॉज को एक नाउन फ्रेज से रिप्लेस कर दिया. ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, हमें सेंटेंस सिंपल बनाना था, तो हमने इस नाउन क्लॉज को एक नाउन फ्रेज से रिप्लेस कर दिया. तो जब हम कभी किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं, तो वहां पर हमें सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को रिमूव करके कोई ऐसी फ्रेज या कोई ऐसा मतलब वर्ड यूज करना पड़ता है जो वही मीनिंग कन्वे कर दे जो उस क्लॉज का था. ठीक है, नेक्स्ट पर जाइए. द मैन हु लिव्स इन द हाउस ऑपोजिट इज एन एक्टर. द मैन हु लिव्स इन द हाउस ऑपोजिट इज एन एक्टर. द मैन हु लिव्स इन द हाउस ऑपोजिट इज एन एक्टर. इसको भी हमें चेंज करना है, और इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें मतलब सिंपल बनाना है. अभी ध्यान से देखोगे, यहां पर जो हमने क्लॉज लिखी थी ना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हमारी नाउन थी क्योंकि नो वर्ब का ऑब्जेक्ट थे. यहां ये जो हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखी है, ये ध्यान से देखो एडजेक्टिव है. Who lives in the house opposite जो है ना, description of the man है. तो अगर हम इस subordinate clause को यहाँ से remove करेंगे जो कि एक adjective है, तो हमें कोई ऐसी phrase या clause use करनी पड़ेगी. Sorry, clause तो use नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसा word या phrase use करनी पड़ेगी जो इस adjective का meaning convey कर दे. अभी तो ये subordinate clause है, हमें इसे remove करना पड़ेगा. तो जब हम इसे remove करेंगे, तो हमें ध्यान ही रखना है कि कोई ऐसी phrase या हम word use करें जो वही meaning convey करते जो इसका है. तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए ट्राई कीजिए सारे बच्चे. कीजिए इसे ट्राई कीजिए. हाँ, कमेंट्स लेट आते हैं, थोड़ी सी लेटेंसी इसमें ज़्यादा है. देखो अभी डेवलपर से कह के इसको भी दिखवाएंगे. इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं इधर से जो बताता हूँ वो आपको लेट पहुँचता है, आप उधर से कमेंट करते हो वो इधर लेट आता है, यही प्रॉब्लम चल रही है. अब देखो इसको पता हम कैसे लिख देंगे, हम इस क्लॉज को ना पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे लिख देंगे, द मैन लिविंग इन द हाउस अपोजिट इज एन एक्टर. ठीक, तो ये जो हमने लिविंग इन द हाउस अपोजिट लिख दिया ना, ये ध्यान से देखो क्या है, ये है पार्टिसिपल फ्रेज. लिविंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है. ठीक है, और ये क्या था, ये क्लॉज थी, तो हमने क्लॉज को फ्रेज से रिप्लेस कर दिया, सेंटेंस हमारा जो था वो कॉम्प्लेक्स के बजाय सिंपल हो गया. बस नेक्स्ट में जाइए. वी वर सरप्राइज्ड व्हेन वी सॉ हिम स्टील द मनी.
हम कह रहे हैं कि जब हमने उसे चोरी करते हुए देखा तो हम सरप्राइज हो गए. वी वर सरप्राइज व्हेन वी सॉ हिम स्टील द मनी एंड ही स्पोक सो रैपिडली दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वी कुड अंडरस्टैंड नथिंग. इन दोनों सेंटेंसेस को भी जो अभी कॉम्प्लेक्स हैं आपको सिंपल में चेंज करना है कीजिए. ये दोनों सेंटेंसेस भी जो अभी सिंपल हैं इनको सॉरी अभी कॉम्प्लेक्स हैं इनको सिंपल में चेंज करना कीजिए. सारे बच्चे ट्राई करें, गलत हो जाएगा हो जाने दो कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई सबको करना है, ट्राई सबको करना है. द मैन लिविंग इन द हाउस अपोजिट इज एन एक्टर, इज इट करेक्ट सर? ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट डियर. कमेंट फर्स्ट. देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी वर सरप्राइज व्हेन वी सॉ हिम स्टील द मनी. वी वर सरप्राइज्ड टू सी हिम स्टील द मनी. पैसे चुराते हुए उसे देखकर हम सरप्राइज हो गए, एक तरीका. बट नॉट द ओनली वे, हम सेंटेंसेस को कई तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और कैसे आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीइंग हिम, मतलब थोड़ा सा वो ऑकवर्ड ऑकवर्ड तो नहीं, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बन जाएगा. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सीइंग हिम स्टील द मनी सरप्राइज अस. Seeing him steal the money surprised us. We were surprised at his stealing the money. At seeing him steal the money. तो मतलब वो थोड़े से odd structures होंगे. तो आप इसको simply ऐसे लिखे, we were surprised, surprised actually. We were surprised to see him steal the money. We were surprised to see him steal the money. नेक्स्ट पेज. ही स्पोक सो रैपिडली दैट वी कुड अंडरस्टैंड नथिंग. ये बहुत ईजी है. देखो इसमें क्या है ध्यान रखना है कि जो सो दैट के साथ लिखी गई क्लॉजेज होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. अगर आपको उनको सिंपल बनाना है तो आप टू एडवर्ब के साथ में इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए, बस बन गया. ठीक है, अब जैसे देखो हमने लिखा ही स्पोक सो रैपिडली दैट वी कुड अंडरस्टैंड नथिंग. इसको आप ऐसे लिख दो, ही स्पोक too rapidly for us to understand anything. Nothing नहीं लिख सकते क्योंकि understood meaning वो negative ही है, तो आप उसकी जगह ना anything लिखे. He spoke so rapidly for us. ठीक है, हाँ कोई नहीं बेटा, He spoke too rapidly for us to understand anything. तो जहां पर ये सो दैट वाले हो ना स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, सो दैट वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं. तो इनको अगर आपको सिंपल में चेंज करना है, ठीक है, तो आप जो इन्फिनिटिव यूज करते हो ना टू के साथ, वो वाला स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए एंड वाइस वर्सा. और अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इन्फिनिटिव की जगह सो दैट यूज कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है तो सो दैट की जगह इन्फिनिटिव यूज कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट पेज. The tourist thanked the guide for his support. The tourist thanked the guide for his support. अब आपको इसको ना कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कि जो टूरिस्ट था उसने गाइड को थैंक्स थैंक किया. क्यों थैंक यू क्या कहा, किस लिए थैंक किया? ठीक है, फॉर हिज सपोर्ट, क्योंकि गाइड ने टूरिस्ट को सपोर्ट किया. ठीक है, एंड नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर शी वेंट शॉपिंग. ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे दोनों सिंपल है. कीजिए, चलिए ट्राई.
द टूरिस्ट थैंक द गाइड फॉर हिज सपोर्ट। अब क्या करना है, इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड का मतलब है कि आपको एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनानी पड़ेगी, फैन बॉयज में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, द गाइड सपोर्टेड द टूरिस्ट। सो या एंड में से आप कोई यूज कर सकता है, एंड दे या सो दे थैंक्ड हिम, और इसलिए उन्होंने उसको थैंक किया, धन्यवाद दिया। ठीक है, ये लो हो गया, ये गाइडेड लिख गया गलती से। गाइड, ठीक है, आप पास्ट से आगे जा रहे हो, बैक नहीं जा रहे हो, तो पास्ट परफेक्ट मत लिखो। द गाइड सपोर्टेड द टूरिस्ट एंड द थैंक देम। ठीक है, ये सीक्वेंस में हुए इवेंट्स हैं, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो आप बैकवर्ड नहीं जा रहे हो पास्ट में, आप फॉरवर्ड जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में लिखे। फिर आगे, नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर शी वेंट शॉपिंग। नॉट विद स्टैंडिंग जो होता है ना, इसका यूज हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर का मतलब हो गया बैड वेदर के बावजूद वो शॉपिंग करने गई। तो यहां पर आप देखेंगे ना, कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए आप बट यूज कर लीजिए। ठीक है, शी वेंट शॉपिंग, दो या डिस्पाइट मत यूज करना। ठीक है, दो यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, डिस्पाइट यूज करोगे तो सिंपल रह जाएगा। आपको बनाना है कंपाउंड। एक मिनट, ये बाद में लिखना था, ये रिजल्ट है। द वेदर वॉज बैड येट शी वेंट शॉपिंग, येट शी वेंट शॉपिंग, द वेदर वॉज बैड येट शी वेंट शॉपिंग। मौसम खराब था, येट शी वेंट शॉपिंग, लेकिन फिर भी वो शॉपिंग करने गई। नेक्स्ट देखिए, विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स। ये तुम लोगों को अपने आप ही करना है, इसमें मैं कोई मदद नहीं करूंगा। पहला वाला जो सेंटेंस है, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स, ये आपको खुद चेंज करना है। ठीक है, अपने आप कीजिए। इट बीइंग अ हॉट डे दे कैंसिल्ड द ट्रिप। चलो, इसमें तो खैर मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें जरूरत नहीं है आपको मदद की। ये सिंपल है सर, दोनों में ज्यादा सिंपल ही है, इसको अपने आप कीजिए। हाँ, इट वॉज अ बैड वेदर भी आप लिख सकते हो, नहीं तो सीधे वेदर जो नाउन है ना, जनरिक नाउन होता है, आप इसी को सब्जेक्ट बना लो, क्यों इट यूज करोगे, लिख दो द वेदर वॉज बैड येट शी वेंट शॉपिंग। देखिए, अब इसको कैसे करोगे, देखो, विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स। अच्छा, तुम लोगों के पास कमेंट लेट जाएगा, चलो ठीक है, करो, यू हैव योर टाइम। कैसे किया, ही मेड अ ग्रेट एफर्ट एंड ही लिफ्टेड द बॉक्स। ठीक है, दैट सिंपल, वो सिंपल तरीका ये हो गया, ही मेड अ ग्रेट एफर्ट एंड ही लिफ्टेड द बॉक्स। ही मेड अ ग्रेट एफर्ट एंड ही लिफ्टेड द बॉक्स। उसने एक ग्रेट एफर्ट किया और उसने बॉक्स को उठा दिया। चलिए नेक्स्ट, आइए, इट बीइंग अ हॉट डे दे कैंसल द ट्रिप। ये तो सिंपल रीजन एंड कॉज वाला हो गया, कि मतलब ज्यादा गर्म दिन था इसीलिए उन्होंने कैंसिल
कैंसिल कर दी ट्रिप, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। तो यहां पर आप सो का यूज कर सकते हो, इट वॉज अ हॉट डे सो दे कैंसल्ड द ट्रिप। इट वॉज अ हॉट डे सो दे कैंसल्ड द ट्रिप, इसीलिए उन्होंने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। इट वॉज अ हॉट डे सो दे कैंसल्ड द ट्रिप। तो यहां पर तो सीधा कंसिक्वेंस की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है, ठीक है। तो सो यूज कर लीजिए। विच वन इज योर्स डियर, ही लिफ्टेड द बॉक्स फॉर ही डिड अ ग्रेट एफर्ट। एक्चुअली दैट्स नॉट द आंसर, ठीक है। फॉर रेफर्स टू डिडक्शन, कि मान लीजिए हम जैसे बाहर गए, ठीक है, और हमने देखा, मतलब रात है, किसी पर्सन के घर में लाइट्स ऑन है, तो हम ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं कि घर में कोई पर्सन होगा, फॉर द लाइट्स आर ऑन, देयर मस्ट बी समबडी एट होम फॉर द लाइट्स आर ऑन, ठीक है। तो ये जो फॉर है ना, वो हमारा डिडक्शन है, बट ये डिडक्शन नहीं है, ये रियल कॉज है। उसने अफोर्ड किया तभी बॉक्स उससे उठा, नहीं अफोर्ड करता तो बॉक्स नहीं उठता, ठीक है। तो ये आपका डिडक्शन नहीं है, एक्चुअली ये इवेंट है, ऐसा ही हुआ है। तो आप वहां पे ना सो का यूज कीजिए। इट वॉज अ हॉट डे सो दे कैंसिल द ट्रिप, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट है हमारा, वी ओ दिस सक्सेस टू आर टीचर्स एंड वंस मॉडेस्टी इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू वंस इडियोसी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, अब की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, ये देखो ध्यान से यहां पर।